अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, कज़िया दिहाइयों का है और ऐलानात हर दौरे हुकूमत के कि हम बेअमीर भाषा डैम बनाएंगे है और बनाएंगे, और ये हम सुनते चले गए। मंसूबे की पहली तजवीज 1980 में सामने आई। मंसूबे का पहला इफ्तिताह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1998 में किया। 2004 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी और 2006 में परवेज मुशर्रफ ने तामीर का दोबारा ऐलान किया। उसके बाद मजीद हमने देखा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी सामने आई, डिजाइन भी तैयार हुए। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज भी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी इस मंसूबे का इफ्तिताह कर चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी दोबारा 2017 में इस मंसूबे पर काम शुरू करने का ऐलान किया, मगर बात कभी ऐलानात अनाउंसमेंट से आगे ना बढ़ सकी। अनफॉर्चुनेटली सन 2008 में मजमुई लागत 12 अरब डॉलर थी और अब मजमुई लागत का तखमीना 1606.5 अरब रुपए बताया जा रहा है। डैम की तामीर से 4500 मेगावाट बिजली और 3 मिलियन एकड़ जरई जमीन सरियाब होगी, मगर सवाल अभी भी यही है कि वो डैम के जिसकी तामीर के ऐलानात 40 बरसों से किए जा रहे हैं, क्या आज पाकिस्तान अमलन इसकी तामीर कर पाएगा। मजमुई दरकार रकम जो है वो 1406 अरब से जायद बताई जा रही है। हमारे पास चंदे से जमा रकम जो है वो सिर्फ 12 अरब रुपए है, मतलब कि 1394 अरब खतीर रकम अभी भी हमें चाहिए। अब ये रकम आएगी कहां से? 2012-13 में मियां साहब की हकूमत में आलमी इदारों से की गई दरख्वास्त भारत के एनओसी से मशरूत कर दी गई, और क्योंकि भारत को इस डैम की तामीर पर एतराजात थे तो इतनी खतीर रकम का बंदोबस्त कहां से और कैसे होगा, वी आर स्टिल वंडरिंग। दूसरा मसला, इस डैम की तामीर पर कोहिस्तान और दयामीर के लिए जमीन के मुतबादल का बंदोबस्त भी कर लिया गया है क्या? क्या जमीन पर जो कबाइल की मलकियत के दावे हैं, क्या उनका इजाला भी हो चुका है? 22,000 की आबादी को नकल मकानी पर राजी क्या कर लिया गया है? कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जस्टिस तनवीर कमीशन की रिपोर्ट तहरीर होने के बावजूद एज ऑलवेज मंजर आम पर यह नहीं लाई गई। यही हाल कालाबाग डैम का भी है। 40 बरसों में बात ऐलानात से आगे नहीं बढ़ सकी, वो भी एक बड़े अनटू इटसेल्फ एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है। पाकिस्तान के पानी और बिजली की जरूरत जो है वो ताहाल सिर्फ 9 डैम पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुकाबले भारत पड़ोस में ही देखिए तो 4,700 से जायद डैम्स हैं और भारत में छोटे बड़े मजीद 390 डैम्स की तामीर अभी भी जारी है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन के लिए पानी महफूज करने का बंदोबस्त है और भारत 250 दिन के लिए पानी जखीरा करता है। हम सालाना 145 एकड़ फुट पानी हासिल करते हैं, 14 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करते हैं और 34 मिलियन एकड़ फुट पानी मतलब 21 अरब डॉलर का पानी जाया कर देते हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं पर 190 डैम तामीर करने का मंसूबा बना रखा है, मगर हम ऐलानात से आगे नहीं बढ़े। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर और एक अच्छी खबर ऐसे मौके पे हमें दी जा रही है कि इस पे ऑफिशियली काम शुरू हो जाएगा। इसी बारे से बात करते हैं कि रियलिस्टिकली इनको में कितनी बुक्कत है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बाबडा लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम महर। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। फरमाइएगा कि ये भाषा डैम की तामीर का ऐलान हो चुका है, एहसन इकबाल साहब अभी भी ये सवाल उठा रहे हैं फाइनेंसिंग के हवाले से कि क्या डैम की फाइनेंसिंग की मंजूरी जो है वो भी हो चुकी है? जी मैम, थैंक यू वेरी मच। एक तो लेट मी थैंक यू कि आपने जो इंट्रो दिया है, सारी पंच लाइन्स को बड़े अच्छे तरीके से आपने टच किया है। मैं इसके फाइनेंशियल मॉडल से पहले दो बातें आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के जो आपके कॉम्पिटेंट रिलेटिव्स हैं, याद रखी के आपको अपनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करना पड़ता है। बदकिस्मती से जमीन होने के बावजूद, पानी के वसायल होने के बावजूद हम 40-50 साल से उस पर काम नहीं कर सके। अब दयामीर भाषा एक वो प्रोजेक्ट है जिसमें ये पोटेंशियल है कि पाकिस्तान को एक नई नहज पे ले जा सकता है, और जैसे आपने इंटरव्यू में बताया कि इसमें मुख्तलिफ मसाइल थे, 1981 से स्टडी होने के बावजूद इस पर काम शुरू नहीं हो चुका था। अब हमारी कोशिश ये थी पिछले 2-3 साल से कि ये देखा जाए कि इसमें वो फंडामेंटल कौन से इशू हैं जिनकी वजह से काम शुरू नहीं हो रहा। तो वो एक तो ये था कि जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनका रिसेटलमेंट प्लान है क्या, और दूसरा ऑब्वियसली जिस पर आपने भी टच किया है कि इसका फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा। तो पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि रीसेटलमेंट इशू जो है वो एक बुनियादी वजह थी जिससे काम रुका हुआ था। तो उसका बुनियादी स्ट्रक्चर ये था कि गिलगित बल्तिस्तान की हकूमत ने वहाँ पे ज़मीन मुहैया करनी थी जिसपे 3 रीसेटलमेंट विलेजेस बनने थे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर एक तो ज़मीन की कमी है, ज़मीन लोग वहाँ रहते हैं या नालों में या दरिया के इर्द गिर्द रहते हैं, बहुत कमी है ज़मीन की,
और दूसरा मसला यह है कि वहां पे कबाइल की मलकियत के मसाइल बहुत पुराने हैं। तो एक रिसेटलमेंट विलेज तो वहां पे बन चुका था, लेकिन बाकी दो विलेज बनाने में काफी मसाइल थे। उसके हमें कामयाबी ये मिली कि हम वहां के लोगों के साथ बैठे, उनसे बातचीत की और हमने बेसिक मॉडल में चेंज ये किया कि हमने उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन पे राजी कर लिया। अब इस मॉडल में अच्छाई ये है कि वो लोग वहां से जा रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया है और ये पॉलिटिकल विल शो करती है हुकूमत की कि हम उनको कम पेश 14 बिलियन रुपीज उनको दे रहे हैं, जिससे अपनी माँ से जो जगह मुनासिब समझे वहां से वो चले जाएंगे। तो ये मसला हल हो गया। दूसरा जो पहलू आपने टच किया वो फाइनेंशियल मॉडल का था। देखें, टाइम्स हैव चेंज्ड। ये डैम्स 1960-65 के नहीं है जिस तरह के इंडस वर्ल्ड बैंक के आपको रिप्लेसमेंट वर्क्स की सपोर्ट से आपको बनाए गए थे, वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से। यू हैव टू कम आउट विद अ इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल। तो इसकी बुनियाद हमने ये बनाई कि इस पूरे स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, यानी कि पहले हम स्ट्रक्चर है उसको बनाया जाए और जब एक साल इस पे काम हो जाए तो हम सेकंड पार्ट जिसमें अपने पार्ट जनरेशन पार्ट लेकर उसको लाया जाए। तो पहले सवाल ये था कि पहला हिस्सा जिसका हमने 442 अरब रुपए का ठेका दिया है ये बाबर चाइना FW को, उसका इंतजाम क्या किया जाए। उसके इंतजाम के बुनियादी तीन कंपोनेंट है। देखिए, हमें हुकूमत पाकिस्तान अगले 60 साल में कम बेश 400 अरब रुपया मुहैया करेगी और बाकी जो 250 अरब रुपया है उसका बंदोबस्त बाबडा ने खुद कर लिया है। बाबडा के पास क्या तरीके हैं? बाबडा के पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इक्विटी हम इसमें डाल रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर द कमर्शियल फाइनेंसिंग और तीसरा कॉम्पोनेंट इसका स्पायर क्रेडिट्स का भी होगा। तो ये मॉडल बनने में बड़ा वक्त लगा है और बड़ा रॉबस्ट मॉडल है। इसकी बुनियाद मैं बताऊँ क्या है। बुनियाद इसकी ये है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक सेक्टर एंटिटी है जिससे बाबडा है, किसी एंटिटी की आज तक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग नहीं हुई थी। तो वाबडा अल्हम्दुलिल्लाह पहली एंटिटी है जिसकी तीनों कंपनी जिसमें फिच है, बूडी, S&P है, उनसे इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग हो चुकी है और आई लेट मी टेल यू विद द प्राइड के वाबडा हैज बीन डिक्लेयर्ड विद स्टेबल आउटलुक। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा क्या है कि हमारी रिलायंस जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है उससे कम हो जाती है। आई कैन गो अप टू द मार्केट एंड मार्केट इज विलिंग टू सपोर्ट मी। जो फॉरन करेंसी का कॉम्पोनेंट होगा हमें उसमें मसाइल नहीं होंगे। तो आपके लिए बस समझने की बात ये काफी है कि हमें डैम पार्ट बनाने के लिए फाइनेंसिस का कोई इशू नहीं है। वंस वी गो टू द सेकंड स्टेज ऑफ पार्ट जनरेशन जहां पे स्प्राइट क्रेडिट का इशू आएगा वो यहां से 2 साल के बाद शुरू होगा एंड वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट। तीसरी चीज देखें, सबसे इंपॉर्टेंट महर यह है कि हमारे इंपेरेटिव में जैसे पहले मैंने कहा कि एक तो पोलिटिकल विल है, हमारे गवर्नेंस के इशू रहे हैं, आपकी टेक्निकल कैपेसिटी कम रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एनेबलिंग मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं रहे हैं जहां पे साइनर्जाइज कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ और जो बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं दे हैव टू बी इन प्लेस। अगर हम 40 साल इसका इंतजार करते रहें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस डैम में एक दिन की ताखीर में कम से कम $5 मिलियन का नुकसान पहुंचाती है। तो ये अंदाजा लगा लें कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जनरल साहब मुझे बताइएगा, ये 40 सालों से ये हम किस्सा सुन रहे हैं तो ये जरा समझा दीजिए। एंड ऑफ कोर्स आपकी ये स्वाबदीद है, यू कैन बी एज ए पॉलिटिकल एज यू वांट, मगर फिर भी क्योंकि आपने कहा पॉलिटिकल विल है और मैकेनिज्म इन प्लेस है और सेल्फ सफिशिएंट है अब हम फाइनेंसिंग में, इनमें से कौन से एलिमेंट्स मौजूद नहीं थे पिछले 10 या 20 सालों में? पॉलिटिकल विल नहीं थी, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी, मैकेनिज्म नहीं था, व्हाट वाज लैकिंग? मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं उसमें जो इदारे हैं फॉर एग्जांपल GP गवर्नमेंट की एबिलिटी टू रिजॉल्व द इशू कम था। आई वुड इवन से कि वाबडा शुड हैव स्ट्राइव्ड मोर टू रिजॉल्व द इश्यूज। तो जब ये दोनों डिपार्टमेंट GP गवर्नमेंट है, वाबडा है, ऊपर से गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, मतलब मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि जो बुनियादी स्ट्रक्चर था इसकी रीसेटलमेंट का दैट वॉज नॉट करेक्ट। जब ये 2005-06 में स्ट्रक्चर बनाया गया था तो उस वक्त एहसास होना चाहिए था कि यहाँ पे इतनी लग्जरी आपको अवेलेबल नहीं है जैसे बंगा या तरबेला में थी कि आपको जमीन अवेलेबल होगी। तो बुनियादी स्ट्रक्चर इसका गलत हो गया। दूसरा यह था कि जो उस वक्त डिजाइन फाइनेंशियल बनाया गया वो डूएबल नहीं था। पाकिस्तान वॉज नेवर इन अ पोजिशन टू डू सच मेगा प्रोजेक्ट। आप देखें जो पहले दो प्रोजेक्ट्स बने आपके पास, एक तरबेला मंगला है, वो दोनों वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से बने थे और 60s में 70s में उस वक्त आपकी कैपेसिटी तो नहीं थी लेकिन आबादी आपकी कम थी, रीसेटलमेंट के इशू नहीं थे, फिफ्थ जनरेशन वॉर के भी इम्पैक्ट नहीं थे। तो अब तो वी आर वर्किंग इन अ वेरी डिफरेंट होस्टाइल एनवायरमेंट। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान दैट वी बीन एबल टू क्रॉस द लाइन। एब्सोल्युटली। सो पाकिस्तान की बिजली की पैदावार तकरीबन 29,000 मेगावाट बताई जाती है कि जिसमें से तकरीबन 11,000 गुज़िश्ता दौर में लगी, तो यानी कि 63 ऑनवर्ड्स 2013 तक इसके दरमियान कोई बड़ा डैम या बिजली का कारखाना अगर नहीं लगा तो आपके मुताबिक मैकेनिज्म की कमी थी या विल पावर की कमी थी या हमारे पास वो प्रोवेस नहीं थी?
मैं इस बात को दूसरी तरीके से लूंगा। देखें, आपको मैं समझता हूँ बिजली की कमी पाकिस्तान में इशू नहीं है, पाकिस्तान में इशू है कि आपको चीप एनर्जी चाहिए। अगर आप आईपीपीएस के थ्रू, ऑयल के थ्रू आप एक बिजली पैदा करेंगे 16-17 रुपए की है, तो ऑब्वियसली आपकी जो इंडस्ट्री है कॉम्पिटेटिव नहीं हो सकती मार्केट में। आपका जो बुनियादी रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर 2.87 रुपीज। अब जब 40 साल आप डिले करते हैं और इन बिटवीन आप प्लांट्स लगाते हैं वेरी एक्सपेंसिव, तो नो मैटर व्हाट यू डू योर इंडस्ट्री कैन नॉट बी कॉपरेटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। एंड सर, इंटरनेशनल मार्केट से जिक्र हुआ कि अभी भी क्या हमारी मदद या हमारे साथ को वर्क करने के लिए प्रोजेक्ट्स के अंदर सिर्फ चाइनीज कंपनीज ही मैदान में उतर रही हैं? लास्ट प्रोजेक्ट 2002 में इटालियन फर्म के साथ इधर हुआ था, एंड सिंस देन नो यूरोपियन कंपनी और कोई मुल्क नहीं आगे बढ़ता। इज इट स्टिल द चाइनीज वे एसेंशियली वर्किंग विद? जी देखिए, चाइना की जो टेक्निकल कैपेसिटी है ये बड़ी ओवरवेलमिंग इम्प्रूव हुई है लास्ट अबाउट 10-20 ईयर्स। इन्होंने वो मॉडल जो बनाया था अपना 3 गॉर्जेस का, दैट इज वट वी आर अडॉप्टिंग इन पाकिस्तान। आपको सुनकर खुशी होगी कि जो मेरे दोनों कॉम्पोनेंट है इसके, एक सिविल वर्क का, एक कंसल्टेंसी का। हमारा कंसल्टेंसी का मॉडल ये है कि वी हैव द बेस्ट कंसल्टेंट्स लाइन्ड अप फॉर दिस प्रोजेक्ट, जिसमें मॉन्टगोमरी हार्ट्सा के लोग मौजूद हैं, अमेरिकन कंपनी है, डॉर्सेट टर्किश है, पावरी स्विट्जरलैंड की है, हमने फिर पाकिस्तानी कंपनियां इनके साथ 40% की एक्सपर्ट्स लगाए। इमेजिन 5 ईयर्स डाउन द रोड यू विल हैव अ ग्रेट ट्रेजर ऑफ इंजीनियर्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। लाइकवाइज जो चाइनीज कंपनी पावर चाइना है, दे हैव वर्क्ड ऑन 3 गॉर्जेस इन चाइना और दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हुए हैं। इनके साथ जो जेवी में आया है FWO आया है, तो आई अंडरस्टैंड कि 5 ईयर्स डाउन द रोड यू विल हैव अबाउट 1500 to 2000 इंजीनियर्स अवेलेबल एंड दे वुड हैव डन द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। आपको मालूम है कि हमने लास्ट मई को मोमेंट पे काम शुरू किया था और मोमेंट इज जस्ट इन 1 ईयर डिस्पाइट कोरोना आवर पेस ऑफ वर्क इज प्रीटी सेटिस्फैक्ट्री, और वहां शाम में रात में भी लोग हमारे काम कर रहे हैं, वहां भी यही मॉडल। और ये जो आपका जामिर बादशाह है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक RCC डैम बनेगा 272 मीटर्स। इमेजिन दिस ट्रायल एंड एक्सपीरियंस विल बी अ लॉन्ग वे फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। सर, 2 क्विक क्वेश्चंस और फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगी। एक तो अदर देन वाटर शॉर्टेज और एनर्जी प्रोडक्शन, इसके और क्या फायदे होंगे? दूसरा, बहुत सी डेफिशिएंसीज का जिक्र किया जाता है बाडा के बिडिंग मैकेनिज्म के अंदर। आपने पिछले 2-2.5 सालों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से भी बड़ा सुना होगा, देखा होगा, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग, बिडिंग प्रोसेस को बड़ा मशकूक कर दिया जाता है, उसके ऊपर क्या आपने कोई नजरसानी की है मजीद ट्रांसपेरेंट लाने के लिए? एंड ऑफकोर्स देन द बेनिफिट्स मजीद जो आप कह रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका कितना इंसार होगा या कौन सी नई टेक्नोलॉजी अब लाई जाएगी? मेरे पहले सवाल में तो ये फर्स्ट थिंग है, इसके जो प्रोजेक्ट की इफेक्ट्स हैं अदर देन द एनर्जी एंड वाटर, बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट 8 ईयर्स देयर बी 15,000 पीपल हु विल बी गेटिंग अ न्यू जॉब इन जाबिर बादशाह, वो सारे पाकिस्तानी होंगे। और यू बी प्लीज टू हेयर कि यहाँ पे 78 बिलियन रुपीज हम स्पेंड कर रहे हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चरास। और इसके अलावा जैसे पहले मैंने मेंशन किया कि विल हैव अबाउट मोर देन 1,000 इंजीनियर्स वर्किंग इन चलास, तो इसका आप इम्पैक्ट देखें कि चलास एंड सराउंडिंग एरिया में कितना पॉजिटिव होगा। द सेकंड इज के वी यू मेड अ मेंशन ऑन द बिडिंग प्रोसेसेस। आपको खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था 2018 में कि जाबिर बादशाह पे काम क्यों तेजी से नहीं हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई जिसमें पाकिस्तान की बेस्ट माइंड्स बोथ इन द मिनिस्ट्रीज एंड द एक्सपर्ट्स मौजूद हैं लाइक शमसुल मुल्क एंड अदर पीपल। उस इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अंदर प्रोक्योरमेंट कमेटीज हैं, दे हैव स्क्रूटनाइज द होल प्रोसेस, वी प्रेजेंट द होल रिपोर्ट एवरी 2 मंथ्स टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देन वी हैव अ जामिर बादशाह मैनेजमेंट कंपनी जिसमें सारे मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज उसके मेंबर हैं, वी हैव अ चीफ सेक्रेटरी GB, चीफ सेक्रेटरी KP मेंबर ऑफ दैट, उसकी अपनी एक प्रोक्योरमेंट कमेटी है विच इज आउटसाइड फाप्टा, एंड देन वी हैव अ इंटरनल स्क्रूटनाइज प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसल्टेंट्स गोइंग अप टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टर गोइंग टू द मेंबर वाटर द CCC एंड ऑफकोर्स गोइंग अप टू जामिर बादशाह मैनेजमेंट कंपनी। तो वी हैव डन दैट स्क्रूटनी एट अबाउट 7 ईयर्स। मेरा वैसे वक्त तो आपके साथ खत्म हो गया, मगर क्योंकि शेख वकास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो चाह रहे हैं कि मुख्तसरन आप, बल्कि खुशामदीद कह देती हूँ।